उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित नलकूप चालक सामान्य चयन परीक्षा 12 जनवरी को जनपद के 22 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। एक पाली में आयोजित परीक्षा सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक होना है, जिसकी तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेन की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। बैठक में एडीएम प्रशासन प्रभुनाथ सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी सेक्टर और स्टैटिक मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए कि वे परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्रों पर पहुँच तथा परीक्षा की सुचिता पूर्वक सकुशल संपन्न कराएं। फर्जी अभ्यर्थी जो किसी और के नाम पे एकदम कदापि नहीं बैठेगा, जो उसका आइडेंटिटी प्रूफ करने का जो तरीका है, जो उसने दिया है, उस हिसाब से वो जरूर देख लीजिएगा। ये भी होता है कि केंद्र व्यवस्थापक के द्वारा जब कमरे बार जब उसकी बंडलिंग बना के दी जाती है बुकलेट की, तो वो जिम्मेदार आदमी दें ताकि जिस कक्ष के लिए उसको आवंटित किए कक्ष 1, 2, 3 उसी में ले जाकर के दे, रास्ते में जाते समय भी वो मिक्सअप ना हो, क्योंकि इनका जो पैकेट खुलता है उसी सीक्वेंस में वो रहता है, तो वो जरूर देख लीजिएगा। कोई भी कक्ष में जैसे मोबाइल फोन लेके कमरे में नहीं रहेगा, न थैला और न ही और कोई सामग्री कक्ष के बरामदे में रखेगा, न कक्ष के अंदर रखेगा। जैसे जमा कराए बाकी वैसा जमा करा दे, ताकि कोई भी सामग्री जो है आपत्तिजनक कक्ष में नहीं जानी है, या बरामद ये सब नहीं होनी है, ये सब दिएगा। बाकी जो है थोड़ी समय रहते पत्रक उत्रक है, ये भी समय रहते आपको आप इसको हस्तगत कर दीजिएगा, ताकि इनको कोई असुविधा ना हो। और कोई भी यदि आपको जो है कंफ्यूजन होता है तो उसमें अपने से निर्णय मत लीजिएगा, पूरा इसको पढ़ लीजिएगा। फिर भी यदि आपको कोई लगता है कि इसमें कोई हमें जो है मार्गदर्शन की आवश्यकता है, तत्काल संज्ञानित कराइएगा, ताकि जो भी जो है इसके नियम कानून है उससे आपको बता दिया, उसी के अनुसार कार्रवाई होनी है। जो श्रुत लेखन का जो इनके नियमानुसार जिनको दिए जाने हैं वही सुनिश्चित कीजिएगा। उसमें भी जो है 12 से अधिक जो है या 10 से अधिक जो ऐसा रहता है अपना इसमें दिया हुआ है, उसको देखते हुए